ये देखिए भैया, सुबह में ऊपर सडनली मैं आया ऊपर और सडनली कबूतर बहुत सारे मरे हुए हैं। इसका रीज़न अभी समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1 2 3 4 5 वो कबूतर मरने पे, और ये कबूतर ऐसे एकदम सहमे हुए, ऐसे समझ आ रहा नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा ये अलग टाइप का इनका जो ऐसे टॉयलेट होता है, ये टाइप का सडनली आया हुआ है। कल ये सारे कबूतर उड़ रहे थे, ये सारे कबूतर कल उड़ रहे थे और प्रॉपर टाइम दे रहे थे ये, और आज आने के बाद ये सिस्टम बना हुआ है इनका। समझ में आ रहा नहीं है कि हुआ क्या कबूतरों को। ठीक है, ये देखिए, ये पूरे घर के जो उड़ते हुए पट्टे, ये पूरे ऐसे मतलब आज हद से ज़्यादा वीक दिख रहे हैं। आई डोंट नो हुआ क्या इनको। मैं अभी इनको ये पिंजरे से शिफ्ट कर दूंगा दूसरी जगह, उसके बाद देखते हैं कि इनको हुआ क्या है। समझ में आ रहा नहीं है, घर के अच्छे उड़ते हुए कबूतर ख़त्म मर गए। प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो कबूतर भी ख़त्म होने पे है और ये वाला कबूतर भी एकदम पर छोड़ दिया। बाकी के ये 3 4 कबूतर है, ये पट्ठे तो कल 2 ऊपर से मैं नीचे लेके कल आया था, ये और ये, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डल हो गए कबूतर। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हुआ क्या कबूतरों को और ऐसे क्यों ये सडनली ऐसे मर गए यहाँ पे। ये कोई वायरस है या हवा में प्रॉब्लम है या क्या सिस्टम हो गया, समझ में आ रहा नहीं है अभी मेरे को। और मैं इनको ब्रीडिंग पेड्स में भी अभी जाके चेक करूँगा, वहाँ पे भी देखूँगा कि कुछ ऐसी सेम सेम हाल है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग पेड्स में सब नॉर्मल है और सारे कबूतर यहाँ पे आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरे कबूतर यहाँ पे है, बच्चे भी सब सारे ठीक है यहाँ पे, बच्चे भी ज़िंदा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मर गए यहाँ पे, सब बच्चे भी ज़िंदा है, सब कुछ सही है। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी सही से ज़िंदा और सही से पल रहे हैं यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। मैं आपको जब वीडियो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करके पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हुआ क्या है। मेरे हिसाब से तो कुछ वायरस है जो वो कबूतरों को पकड़ा है, या कोई हवा की वजह से हो गया है ऐसे। उनको समझ आ नहीं रहा वो सिस्टम क्या है, क्योंकि सारे कबूतर तो कल उड़ते हुए कबूतर थे और अच्छा खासा टाइम दे रहे थे कबूतर, लेकिन अभी सडनली क्या हो गया पता नहीं, अच्छे खासे कबूतर घर के मर गए। हाँ, देखते हैं अभी आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या हो गया और क्यों ऐसे कबूतर मर गए। ठीक है, ये जैसा देख सकते हैं भाई आप, ये पट्टा अभी देखिए पूरा दाना उल्टा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। ऊपर ये देखिए पूरा अंदर से ग्रीन कलर का पूरा बाहर निकल रहा है ऐसे, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इनको हुआ क्या, क्योंकि ऊपर जो कबूतरों को दाना दिया जाता है वही सेम वाला दाना ये कबूतरों को भी दिया जाता है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम सेम दाना इन दोनों को दिया जा रहा है। दोनों को जवारी ही दी जा रही है और जवारी भी प्रॉपरली अच्छे से धो के उसको सुखा के उस तरीके से, उसके पानी पूरा निकाल के उस तरीके से जवारी दी जा रही है। समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये कबूतरों को ऐसे क्या हो गया। अभी ये कबूतर भी प्रॉबेबली मर जाएगा मुझे, क्योंकि इसका इलाज समझ आ नहीं रहा कि करना क्या है। आप देखिए 1 2 3 4 5 कबूतर ऐसे मर गए, वो पीछे वाला वो पट्टा भी मरेगा अभी पक्का, 6 एंड वो सामने जो काला वाला वो भी मर जाएगा, 7। अभी ये पट्टों का मुझे आइडिया नहीं है कि ये लोग का क्या होने वाला है, क्योंकि ये घर के अच्छे खासे उड़ते हुए कबूतर के पट्टे थे और वो ख़त्म हो गए। तो भाई ये शायद हो सकता है कोई वायरस है जो हवा में आ गया है, क्योंकि पानी का बर्तन भी आप देखिए बिल्कुल एकदम से साफ़ है पानी का बर्तन। ऐसा नहीं है कि पानी के बर्तन में कुछ गंदगी है, पानी का बर्तन बिल्कुल साफ़ रखता हूँ मैं इनको पानी जो देता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सडनली एक दिन में इनको ऐसे क्या हो गया कि कबूतर ऐसे बीमार हो गए। चलिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि और कितने कबूतर बचे और कितने कबूतर मरे। भाई ये जो सारे कबूतर मर गए हैं, ठीक है, और ये भी जाने वाला है, ये पट्टे ने भी सेम वैसी हाल किया है वहाँ पे देखा आपने, और ये वाला जो कबूतर है इसका भी यही सेम हाल है। तो जब मैंने इनका पेट दबा के बाहर कुछ निकाला तो ऐसे पूरा कम्प्लीटली ग्रीन कलर का पानी निकल रहा है और इसमें से दाना निकल रहा है। और ये कबूतर भी आप देखें, पेट में इनके पूरा पानी और दाना वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि ये प्यास से मर गए या भूख से मर गए, पेट में दाना है और पेट में पानी भी है। ये वाला कबूतर भी वैसे ही कर रहा है सेम सेम। अभी मैं इसके मुंह में सिरिंज डाल के पानी भर के पूरा बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए आप, ये कबूतर ऐसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि इनको सडनली हो क्या गया है। ऐसा नहीं है, मुझे फीलिंग ऐसी भी आ रही है कि किसी ने कुछ यहाँ पे आकर डाल तो नहीं दिया कबूतरों को, जैसे
कोई कई बार होता है कि छोटे बच्चे ऐसे ऊपर आ जाते हैं और वो कभी कभी चावल डाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो छत लॉक होता है, तो मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है कि ये हुआ क्या है कबूतरों को। मैं थोड़ा इसके बारे में मालूमात करूँगा और जब मुझे सही से पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या है, जब मैं ये वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या है। कबूतर के पेट के अंदर से पूरा ग्रीन कलर का पानी निकल रहा है, तो मैं जितना हो सकता है अभी इनको पानी डाल के इनका पूरा पेट साफ़ करने की कोशिश करूँगा, और जब इनका पेट साफ़ हो जाए मैं फिर इनको कुछ सॉफ्ट सा दाना दूंगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ये कबूतर को अगर मैं निकाल सकूँ तो देखिए आप यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे कलर का पानी इनके पेट से पूरा निकल रहा है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इनको हुआ क्या है, क्योंकि कबूतर को तो मैं पानी वाइट दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये अंदर पेट में जाके ऐसे ग्रीन हो रहा है और दाना इन्होंने बिल्कुल भी हजम नहीं किया। और ऐसा क्या सिस्टम है, अगर किसी भाई को पता है तो वो भी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में करके बता दे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये कभी ऐसे हुआ नहीं है घर में भी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि करना क्या है इसका सिस्टम। अभी ये पट्टे को भी देखिए, अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, नहीं इसका तो मैंने अभी बाहर निकाल दिया था, अभी इसका नहीं निकलेगा, मैं इनको सिरिंज से मार मार के इनका पूरा क्लियर करूँगा। ये देखिए, ये पट्टा पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये पट्टा अभी बचने वाला है, क्योंकि अच्छे खासे हेल्दी कबूतर जो मेरे घर पे टाइम देते थे, ये दूसरे वीडियोस में देखा होगा आपने, ये वाइट वाला था और ये वाला पट्टा था, ये ठीक है, ये सारे कबूतर टाइम देते हुए कबूतर थे, इसने भी स्टार्ट कर दिया था टाइम देना अच्छे से। ये पट्टे देखिए, ये सारे कबूतर, ये उड़ते हुए कबूतर और अच्छा टाइम देने वाले कबूतर थे जो एकदम सडनली चले गए। अब मुझे बस ये है कि बाकी के जो कबूतर है वो बच जाए, तो मैं अब इनको इस पिंजरे से शिफ्ट करके एक दूसरे पिंजरे में डाल दूंगा। भाई एक चीज़ है कि ये कबूतर, वो कबूतर, ये कबूतर और वो कबूतर का जब पेट साफ़ किया गया, दाना पूरा साफ़ है अंदर और पानी एकदम से पूरा वाइट है जैसे नॉर्मली होता है, उनके पेट में बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, तो मुझे लगता है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जब मैंने कल इनको बाहर छोड़ा था छत पे, कि उसमें कुछ हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, जैसे चूहे की दवा हो गई या कुछ ऐसे। समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या खा लिया और क्या इनको मिल गया कि इन्होंने ऐसे किया है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये वाला पट्टा भी अभी ख़त्म हो गया 1 सेकेंड में, देखिए समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि इनको क्या हो रहा है। देखिए अभी इसका पेट, मैं आपको इसका पेट थोड़ा सा खाली करके बताऊंगा अगर हो सकता है मुझसे तो, ठीक है, और आप जब देखिए कि इसके पेट से निकलता क्या है। तो भाई मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसके पेट से निकाल के बताऊँ आपको सब क्या है। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं सामने, ये बस पानी निकल रहा है, देखिए अभी पूरा वाइट कलर का, क्योंकि मैंने अभी इसको डाला और मुँह से देखिए दाना, ये जो भी है ये दाना निकल रहा है। कबूतर मर गया है, लेकिन मैं इसको पूरा चेक करना चाहता हूँ कि इसको असल में हुआ क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये मेरे हाथ में सामने मरा है मेरे, बाकी कबूतर तो मरे पड़े थे मैं जब आया था। ठीक है, अगर हम इसके गले से निकालते हैं पूरा बाहर, तो इसके गले से देखिए बस दाना ही बाहर आ रहा है, देखिए मुंह इसका भरा हुआ है दाने से, और दाने में भी मैंने कुछ भी ऐसे मिक्स दाना नहीं दिया, कुछ भी नई चीज़ नहीं दी, बिल्कुल जवारी दी, और ऐसा नहीं कि इसको धोकर नहीं दिया, प्रॉपरली धोकर दिया था। देखिए कुछ भी दाना, मतलब इन्होंने हजम ही नहीं किया है, जैसा इन्होंने कल खाया था वैसे ही दाना आज भी है, इसका पेट भरा हुआ है दाने से पूरा कम्प्लीटली। अभी मैं इसको कट करके इसको चेक करूँगा अंदर से इनका सिस्टम क्या हुआ, या पेट में कुछ ऐसी गंदगी या चीज़ है जो इन्होंने खा ली थी। मैं जो कट करूँगा वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे ऑफेंड हो जाएंगे कि ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए। बट भाई जब आपको बीमारी का कुछ हल ढूंढना पड़ेगा तो आपको कट तो करना पड़ेगा अंदर, समझ आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन जब आप कट करके देख लेंगे आपको एक तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं जैसे जैसे आगे आगे कुछ होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और इस वाले पट्टे का मैंने कम्प्लीटली पेट साफ़ कर दिया है, इस वाले का जो है इसका पेट कम्प्लीटली मैंने पानी से 4-5 बार सिरिंज से इसका पेट साफ़ कर दिया है, तो अभी शायद ये कबूतर बेटर हो सकता है, क्योंकि इसके पेट से पूरा जितना भी वो ग्रीन कलर का पानी था वो निकल गया है, तो अभी शायद ये कबूतर ठीक होगा। अभी मैं वो दूसरे कॉर्नर वाले पट्टे का पेट साफ़ करूँगा और वो इनको फिर दूसरे पिंजरे में रख दूँगा अलग से। भाई
अभी इनको ऐसे क्वारंटाइन जैसे इनको अलग रख दिया है, मैं इनको ऊपर नहीं ले जा सकता जोड़ों के पास, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उनको वहाँ तो नहीं ले जा सकता। तो मैं इनको इसी केज में, एक छोटे केज में डाल के इन दोनों को रख दिया। पेट इनका कम्प्लीटली साफ़ कर दिया है सिरिंज के थ्रू। देखिए ये सिरिंज से पूरा कम्प्लीटली इनके पेट में पानी पूरा डाल के साफ़ 3-4 बार कर दिया है, और वो पूरा जो भी ग्रीन वाला जो भी पानी था निकल रहा था वो कम्प्लीटली इसके बाहर है। अब इनको ऐसे ही, अब इनको सादा वाला पानी देकर इनके पेट में रखा हुआ है। अभी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वही सादा वाला पानी इनके पेट में रहने देंगे, फिर उसको एक बार अगर हो सके और इन्होंने पानी अगर लेना शुरू नहीं किया बॉडी में, तो वो पानी भी निकाल कर फिर एक बार एकदम से साफ़ क्लीन वाला पानी भरेंगे और इनको थोड़ा सा दाना देंगे और चेक करेंगे कि ये कबूतर दाना उठाते हैं या नहीं उठाते। मेरे हिसाब से तो इनको दाना उठाना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी जो आप देख सकते हैं एक्टिविटी वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सामने जैसा आप देख सकते हैं, जब वो पूरा अंदर से उसका जो ग्रीन वाला था वो निकाल दिया गया, तो इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बेटर हुई है। बोल नहीं सकते कि ये कबूतर अभी भी बचेंगे या इनका क्या हाल होने वाला है। जब तक मुझे इसका कोई अगर हल मिलता है तो सही बात है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आप में से किसी भाई को पता है कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हेल्प हो सकती है इस चीज़ के ऊपर, और बहुत सारे भाइयों की मदद हो सकती है इससे। ये 4 जो पट्टे हैं ये बिल्कुल भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इनको कुछ ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट दिख तो नहीं रहा। इनका भी मैंने पेट पूरा एक एक बार साफ़ कर दिया है। ठीक है, एक एक बार मैंने इनका भी पेट क्लियरली पूरा सिरिंज से पानी डाल के साफ़ कर दिया है। तो अभी डेथ टोटल तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है। 5 अच्छे घर के कबूतर चले गए, कोई बात नहीं। अभी और ये अगर ये 2 बच गए तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। चलिए जैसे भी होता है अब आगे मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा। भाई उनको उस पिंजरे से भी शिफ्ट कर दिया गया है, देर हो गई है, अभी करीब करीब 1 घंटा हो गया है और उनको इस पिंजरे में डाल दिया गया है। दूसरे वाले कबूतरों को मैंने सही से चेक करके ऊपर कबूतरों के साथ छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनको ऐसे दूसरी जगह कहीं नहीं छोड़ सकता। पिंजरे है लेकिन फिर भी मैं प्रेफर नहीं करता उनको यहाँ वहाँ छोड़ना, तो उनको ऊपर दूसरे कबूतरों के साथ छोड़ दिया। अभी ये 2 कबूतरों की आप हालत देख सकते हैं, ये बेटर हो रही है अभी, और शायद इनको लगेगा टाइम थोड़ा सा। मैंने इनको ये वाला फीड दिया है, ठीक है अभी, क्योंकि ये फीड इजीली पेट में गल जाता है और उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको गलाने के लिए और पेट में हज़म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कबूतरों का सिस्टम है। तो एक क्लिप के बाद मैं नेक्स्ट क्लिप ऐड करूँगा कबूतर का, जो पेट मैंने काट के पूरा उसके पेट में चेक किया है वो वाला क्लिप। अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए वीडियो में, अगर आप नहीं देख सकते वो सब और नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ वीडियो आप अभी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया। तो भाई ये वो कबूतर है जिसको सब में लास्ट में मरा था, जो ये वीडियो पे मरा था वो वाला कबूतर है। आप देखिए इसका पेट मैंने ऐसे खोल दिया है सही तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि पेट में सिर्फ दाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं पूरा आपको पेट साफ़ करके बताता हूँ। देखिए आप जब अंदर भी देखेंगे पूरा तो बस साफ़ दाना है, दाना भी ऐसा नहीं है कि गंदा दाना, सड़ा हुआ दाना, वैसा कुछ नहीं है। मैं इसका पूरा पेट आपको ऐसे खाली करके बताता हूँ झटक के। ये देखिए अभी खाली है एकदम पेट पूरा, और कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसे है इसका, आप देख सकते हैं। अभी फ़ोन भी लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा एकदम साफ दाना है, देखिए दाना ही है अंदर और कुछ भी नहीं है इसके पेट में। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 5 कबूतर मरे हैं इनको और वो 2 कबूतरों को ही क्यों इन्फेक्ट किया है, बाकी के जो 4 कबूतर हैं उनको बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है। तो वो 4 कबूतरों को इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई पानी या दाने से इन्फेक्शन होता तो उनको भी होता। उन 4 कबूतर जो बताया है मैंने, वो चारों के चारों ने दाना बिल्कुल भी हजम कर लिया है, लेकिन सिर्फ ये कबूतर थे, ये 7 कबूतर थे जिन्होंने बिल्कुल भी दाना हजम नहीं किया। उनके पेट में दाना कल सुबह से जैसे पड़ा हुआ था अब तक भी वैसे ही था। देखिए आप, पूरा एकदम क्लीन और साफ है, अंदर से कोई भी इन्फेक्शन का नहीं है आसार या कोई भी निशानी नहीं है कि कुछ भी तरीके से इन्फेक्शन हुआ है इसमें। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि ये कोई वायरस था जो इन कबूतरों को पकड़ा है। ठीक है, और इनको पता नहीं किस चीज़ के वजह से हुआ ये,
शायद इन्होंने कुछ खा लिया, लेकिन कुछ खाने के लिए वो कबूतर भी वही खाएंगे जो ये कबूतरों ने खाया, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं है। और इनके पेट में आप देख सकते हैं कुछ भी तरीके की गंदगी नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भाई धड़वा, आपका जो पिंजरा था वो साफ़ नहीं था और उन्होंने पूरी गंदगी खा ली। तो भाई मैं आपको इन डिटेल अंदर तक पूरा बता रहा हूँ, जहाँ से दाना हज़म होने जाता है वहाँ तक भी मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया है, और कोई भी तरीके से कोई किसी भी तरीके की गंदगी नहीं है जो कबूतर खा के बीमार हो सकता है, ठीक है? और गंदगी खा के कबूतर बीमार होता है जब का जब, मरता नहीं है, ठीक है? तो ये भाई कुछ ऐसी अलग ही चीज़ हो गई इनके साथ, पता नहीं क्या हुआ इनको। ये देखिए अभी भी पूरा इनका पेट, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ अंदर से हर एक कोना बता रहा हूँ आपको कि बस इसमें दाना ही है और कुछ नहीं है। तो अगर किसी भाई को इसका आइडिया है कि कबूतरों को क्या हुआ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग जिसको भी ये इशू हुआ है वो लोग देख सकें। और भाई ये एक चीज़ है कि कबूतरों ने ऐसे पूरा टॉयलेट किया हुआ है येल्लो कलर का, वहाँ पिंजरे में भी आपने शायद दूसरे क्लिप्स में देखा होगा पूरा येल्लो कलर का ऐसे सिस्टम बना हुआ है इनका। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनको सडनली हो क्या गया, क्योंकि ये सारे कबूतर कल मैंने उड़ाए थे और अच्छा ये लोग उड़े थे, सुकून से ये लोग उड़ रहे थे, मस्त आराम से जैसे घर पर बैठते हैं वैसे कर रहे थे। देखिए अब कितना दाना था इसके पेट में और कुछ भी ये हज़म हुआ ही नहीं है दाना, तो समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है? तो अभी इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मैं आपको कल अपडेट दूंगा वो कबूतरों की कि वो कबूतरों का क्या सिस्टम है। शायद मैं वीडियो ही वो कबूतरों का अपडेट के साथ ऐड करके अपलोड करूं, ठीक है? क्योंकि ऐसे आधी अधूरी वीडियो बोलने से आप लोगों को भी रहेगा कि वो कबूतर बचे या नहीं बचे, ठीक है? तो अभी वो कबूतरों का भी देखते हैं सीन, के वो लोग को भी देखते हैं कि वो लोग बचते हैं या नहीं बचते। मैंने सोचा कि उनको हैंड फीड वाला फॉर्मूला खिला दूं कबूतरों को, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भाई कबूतरों को जितना अपनी मर्ज़ी से खाना है उतना खाने दें, अगर उनको ज़्यादा मैंने खिला दिया तो फिर सिस्टम कुछ ख़राब हो सकता है उनका पेट का जो भी है, ठीक है? तो भाई ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, शुक्रिया भाई। ये कबूतरों को मैंने पूरों को खोल दिया है अभी, जैसे जब एक को खोला था तो आपने देखा था कि मैंने इसको पूरा खोल के बताया था कि सिस्टम कैसे है, इसको भी मैंने खोल दिया। तो भाई आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस तरीके का ग्रीन कलर हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये जो ग्रीन हुआ है कबूतर को अंदर से, यही वो सारी गड़बड़ है। और इन कबूतरों को जब खोला गया था तो इनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी और ऐसे जैसे कोई एसिड जैसी स्मेल आ रही थी अंदर से। और ये कबूतर अभी अभी मरे हैं, ऐसा नहीं कि ये मर के सूख के पड़े हुए हैं कि दाना उनके अंदर गलना शुरू हो जाए और कबूतर गल रहा है। देखिए आप कबूतर को अभी भी खून भी निकल रहा है अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा मार लग जाए, ठीक है? मैंने इसको ऐसे खोल दिया, इसको भी ऐसे खोला हुआ है, ठीक है? ये कबूतर को भी, इसके अंदर भी वही सिस्टम है। देखिए इसने मेरी मिट्टी खाई हुई है, ठीक है? ये मिट्टी आप देख सकते हैं, जो कंकर बाहर खोलने पे खाते हैं कबूतर, वो इसने खाया हुआ है। देखिए मिट्टी खाई हुई है इसने। ये वाले कबूतर ने भी वैसे ही सिस्टम किया हुआ है, देखिए इसने भी मिट्टी खाई हुई है। और दाना देखिए अब एकदम साफ है, और दाना छोड़ के आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखेगी इसके अंदर, ठीक है? और ये वाला जो कबूतर मेरा बहुत अच्छा उड़ता था, वो वाला कबूतर भी गया अभी, इसके भी पेट से वैसे ही स्मेल आ रही थी। और ये भी आप देख सकते हैं इसका पूरा दाना ऐसा सिस्टम हो गया। तो भाई पांच कबूतर चले गए, ठीक है? और यहाँ दो कबूतर बाकी है, अब इसमें से कौन सा जीता कौन सा मरता पता नहीं है, देखते हैं कबूतर ज़िंदा रहते हैं या मरते हैं, ठीक है? तो फिर शुक्रिया।